राममय माहौल हो गया है और अपने मन के अंदर राम को बिठाकर अब मैं चेतन टिक्कू सर से अनुग्रह करूंगी कि आज आज के इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करें अपने वही ओजस्वी तेजस्वी भाषण से, डॉक्टर मिस्टर चेतन टिक्कू। लेकिन अभी बात एस्ट्रोलॉजी की है तो एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ी सी बात की जाए। इसमें एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वर्ड आ जाता है जहाँ पे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, उन सब ग्रहों की बात करते हैं। बट आई थिंक हिंदी भाषा में इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं हम लोग। हम बात करते हैं ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। शास्त्र तो ऑफकोर्स साइंस हो गया, ज्योतिष मतलब ज्योतिष के अंदर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योति। इसका मतलब इट्स अ साइंस ऑफ लाइट। हमारा जो धरती पे जो भी जीव है, आप हैं, हम हैं, प्लांट्स हैं और तरह के एनिमल्स हैं, वी ऑल नो वी आर ऑल सोलर पावर्ड। पूरी की पूरी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो है सूरज की रोशनी पे। तो बाकी प्लैनेट्स की रोशनी कहाँ से आ जाती है? हम ये भी जानते हैं कि चांद की रोशनी आती है, लेकिन वो भी सूरज से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो सिमिलरली सभी प्लैनेट्स से रिफ्लेक्ट करते होंगे। सो जो रोशनी हमारे पास जिस समय पहुंचती है उसकी कितनी पावर है उसके, क्योंकि अगर रोशनी की बात करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो कलर्स भी होंगे। तो ये पूरी की पूरी कुछ तत्वों की कहानी है जो हम अलग अलग प्लैनेट के जरिए समझ सकते हैं। जो ज्योतिष और हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट्स हैं, वो हमें बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को समझा देते हैं कि हमें कौन से तत्व की कमी है, हमें कौन सा तत्व पूरा करने। लोग रिंग्स पहनते हैं किसी कमी को पूरा करने के लिए कुछ, क्योंकि हर चीज़, जितने भी स्टोन्स निकलेंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, वो सारे के सारे धरती से निकलते हैं। हर चीज तत्व हमारे पास है, लेकिन हमें पूरी लाइफ निकल जाती है लोगों के समझने के लिए कि कौन से तत्व की कमी रह गई है, और वहीं लाइफ में दिक्कतें शुरू होती हैं। हम राहु के तो एक्सेस की बात करते हैं कि वो भी लाइट है। सन और मून की जहाँ पर रेज क्रॉस करके रिफ्लेक्ट करती है, वहां से राहु और केतु शुरू हो जाता है। तो अगर हम पूरी साइंटिफिकली बात करें तो इससे बड़ी साइंस तो कोई हो ही नहीं सकती, जो हमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बताती है। जहां पे हम सेम, जैसे जब सूर्य की रोशनी आती है, वी ऑल नो कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो 7 अलग अलग कलर्स में निकलती है। वही 7 मेन कलर्स हैं जो हमारे प्लैनेट्स के भी हैं, हमारे वही 7 कलर्स हैं जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, उन्हीं से ही बने हैं बाकी सारे कलर्स। वो बेसिक 7 कलर्स वही हैं जिनको विप्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे भी 7 चक्रास हैं जिनके भी वही सेम कलर्स हैं। जो मेन 7, वैसे तो हमारे 114 चक्र हैं, लेकिन जो मेन 7 चक्र हैं उनके भी वही कलर्स हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो तत्व आपकी कमी होगी वहीं आप उसी जगह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी, और उससे बढ़िया रोड मैप हमें एस्ट्रोलॉजी से तो नहीं, बढ़िया रोड मैप कहीं और तो मिल नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी में हमें सब मालूम पता चल जाता है कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ को पूरा करना है, किस तरीके से पूरा करना है। कुछ दान करके पूरा करते हैं, कोई जो तत्व हमारे पास ज़्यादा होता है हम उसको उससे पीछा छुड़ाते हैं, और जो कम होता है उसको हम ग्रहण करते हैं। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेट कर दें, लेकिन सिंपल फैक्ट ये है कि वो 7 रंग हैं, वो 7 तत्व हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी पूरी ब्रह्मांड और हमारे पूरी पूरी सृष्टि निर्भर करती है, और हम भी उसी साइकिल के अंदर ही आते हैं। चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, कोई पेड़ पौधे भी क्यों ना, यहाँ तक कि साइंस ने जैसे ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि हर एक हर इस सृष्टि में हर चीज एक ही एनर्जी से बनी है। वी नो इट बियॉन्ड डाउट कि एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ वन सिंगल एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है
जिसको हम शायद शिव बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं, या हम एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी हमारी जिंदगी चलती है, हर जीव का जीवन चलता है, और वही एक शक्ति है जो अलग अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। उसी की सात रंग है, उसी जो सात रंग जो है उसे करोड़ों रंग बन जाते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि मैं वो छोटे में बोलना चाहूँगा, आज शायद समय की भी थोड़ी कमी है तो थोड़े में ही बोलना चाहूँगा कि वही एक, हम हर चीज को कॉम्प्लिकेट ना करके हम सिर्फ उसको समझें, उस रोड मैप को समझें जो हमारे ऋषियों ने और गुरुओं ने हमें सिखाया है कि जिस तत्व की हमारे में कमी है उसको हम पूरा करें, और अपनी और अपने अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से हम ये देखें कि हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई है, हमें कहाँ लेके जाना चाहती है। अगर उसी डायरेक्शन में चलेंगे हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम अपने डायरेक्शन खुद चुनते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या प्रारब्ध लेके आए थे, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है हमारा बर्थ चार्ट। अगर हम उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलें, हम उस तत्व के हिसाब से चलें, तो शायद हमारा जीवन बहुत बहुत मंगलमय और सुखमय हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर टिकू। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।